Welcome and Jai Hind Defense Aspirants. This video is specially for my MNS warriors. First of all, MNS warriors, मैं आपको thank you बोलना चाहती हूँ. इतना love आप दिखा रहे हैं मेरी videos को like करते हुए. Channel को subscribe करिए अगर आप first time ये video देख रहे हैं. साथ ही साथ में अपने दोस्तों से share करिएगा because इस video में आज हम बहुत ही ज़्यादा interesting topics के साथ में बातें करने वाले हैं. आज का ये video specially MNS aspirants के लिए है, जिसमें भी MNS officers की approximate सैलरी कितनी होती है एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग, ये हम डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेन पॉइंट. अगर आप किसी भी करियर को परस्यू कर रहे हो, यू शुड नो कि उसका सैलरी पैकेज अप्रोक्सीमेटली पर मंथ का कितना होता है. किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को बनाने के लिए बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एड होते हैं. जैसे आपकी जो MNS ऑफिसर्स की सैलरी है, इसमें पे इन हैंड एड होता है. पे इन हैंड आपका बेसिक पे होता है, ग्रेड पे एड होता है. ये मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगी. साथ ही साथ में MSP मीन्स मिलिट्री सर्विस पे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. इसके साथ साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, TPT, यानी जब आप अपने जो वर्किंग प्लेस है वहाँ तक जाते हैं उसका भी आपको पे होता है. साथ ही साथ में DNS अलाउंस होता है. DNS अलाउंस के साथ साथ में आफ्टर मैरिज अगर आपके रहने और रुकने की व्यवस्था देखते हुए आपको HRAB, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस, भी पे होता है. साथ ही साथ में आपको अदर अलाउंसेस का बेनिफिट भी मिलता है. तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स जब मिलते हैं तब आपकी सैलरी बनती है. एक एक करके सब जुड़ते हैं और एक एक जो कॉम्पोनेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सैलरी को स्ट्रक्चर करने में, फॉर्म करने में. सो आइए अब हम इस वीडियो में एक एक करके डिटेल जानते हैं हमारे सैलरी कॉम्पोनेंट्स की. बिफोर नोइंग अबाउट सैलरी, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. एंड यहाँ पे जो आपकी सैलरीज होती हैं डिफर करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ही के साथ में इंडक्ट की हुई कोई MNS ऑफिसर शायद आपसे ज़्यादा विदड्रॉ करे या फिर आपसे थोड़ा कम. अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वो डिफर कर सकता है आपकी पोस्टिंग्स को लेते हुए, साथ ही साथ में आप कहाँ किस सिटी में है, दैट मीन्स राइट, और किस पोजिशन में आपकी पोस्टिंग है. अगर इंडिया की बात करें तो जितनी स्टेट्स में सिटीज हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, विच मीन्स एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी. एक्स सिटी में आपकी कुछ सिटीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं वहाँ पे एक्सपेंस, जो आपका लिविंग एक्सपेंस है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है आपकी सैलरी फॉर्मुलेट करते हुए. वाई सिटीज़ में उससे कम एक्सपेंस होता है, जेड सिटी में उससे कम. सो ये लेवल ऑफ जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, लेवल ऑफ आपका रहने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को देखते हुए इन तीनों सिटीज़ को कैटेगराइज किया गया है. सो गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है आपकी सैलरीज को फॉर्मुलेट करते हुए. सो होप भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. और आपके सामने एक मैंने डिटेल्ड चार्ट भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव चार्ट है, वही डिस्प्ले किया है, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा एक्स, वाई और जेड सिटी का. सो अब आपको डिटेल में लेके चलते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में. द फर्स्ट थिंग जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, आप सबसे पहले नीचे की तरफ ध्यान दें, जो हमने अभी इसके प्रीवियस स्लाइड्स में चार्ट देखा था, विच इज़ पे इन हैंड प्लस ग्रेड पे प्लस MSP प्लस DA प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस. तो इस चार्ट में से हम सबसे पहले दो पैरामीटर्स की बात करेंगे, विच इज पे इन हैंड और ग्रेड पे. नाउ यू कैन जस्ट सी अ फोटो इमेज. ये इमेज 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का पे मैट्रिक्स है, जिसमें पे बैंड्स दिए हुए हैं, ग्रेड पे दिया हुआ और लेवल दिया हुआ है. जब एक MNS ऑफिसर ज्वाइन करता है ना, तो वो लेवल 10 पे ज्वाइन करती है. 10 से लेके 13B तक ये आपके प्रमोशन के पॉसिबिलिटीज हैं, और उन्हीं पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी बढ़ती है वो डिजिट्स दिए हुए हैं. सपोज आपने लेवल 10 पे आप ज्वाइन करते हैं, तो लेवल 1 के 10 पे आपने ज्वाइन किया, तो आपका सैलरी जो बेसिक पे इन हैंड होता है, दैट इज 56,100 रुपीज़. और उसी अगर मैं लेवल की बात करूँ, उसमें आपका जो ग्रेड पे बनता है, दैट इज 5,400 रुपीज़. सो दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट, ये एक जेन्युइन, सॉरी अप्रॉक्सीमेट भी नहीं, एक जेन्युइन चार्ट है, जो कि 7th पे कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अप्रूव चार्ट है. तो यहाँ से आपको अंदाजा लग गया, सपोज आपने ज्वाइन किया, आपका सैलरी इज
पे इन हैंड प्लस ग्रेड पे इतना होता है। अब हम अपने थर्ड एस्पेक्ट की बात करेंगे, मिलिट्री सर्विस पे की। व्हाट इज मिलिट्री सर्विस पे? देखिए, फौज एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको हार्श और रिग्रेस कंडीशंस में ज़्यादा रहना पड़ता है इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आपको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है MSP का, जिसमें अदर रैंक्स होती हैं जो कॉम्पिटेंट होती हैं, सोल्जर्स वगैरह, उनको 5200 रुपीज़ मिलता है, MNS ऑफिसर्स को 10800 मिलता है, एंड अदर जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, उनको 15600 रुपीज़ मिलते हैं। तो अगर हम MNS का इसमें क्राइटेरिया एप्लीकेबल करें तो ये हो गया आपका 10800। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने देखना है कि TPT और TA कैसे होगा। TPT भी आपको सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, आप जिस सिटी में रहते हैं X, Y, Z, और साथ ही साथ में आपकी दूरी और इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे कैलकुलेट होता है। साथ ही साथ में DA मीन्स DNS अलाउंस। DNS अलाउंस जो है करेंटली 17% है। ये एक ऐसा अलाउंस है जो हर साल में दो बार चेंज होता है, राइट? तो ये अभी 17% है, हर 6 मंथ्स में ये चेंज होने वाला अलाउंस होता है जो आपकी सैलरी में एड ऑन होता है। और ये जो दोनों मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, दीज आर अगेन अप्रूव्ड बाय द 7th पे कमीशन एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो वहाँ से एकदम रिलायबल सोर्स ही मैंने आपके लिए ढूंढ के और आपको वाकिफ करने के लिए लगाया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं, विच इज नोन एज HRA, ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस प्लस अदर अलाउंसेस। HRA भी आपको एज पर सिटी मिलता है, आप देख सकते हो X सिटी में 24%, Y में 16% और Z में 18%। HRA क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप मैरिड हो गए हैं, फिर आपको जो फैसिलिटीज पहले मिलती हैं, मैरिज से पहले मिलती हैं, रहने की, फूडिंग, मेसिंग की, जो आपको अब मैरिज के बाद नहीं मिलेंगी, या फॉर एग्जाम्पल वहाँ क्वार्टर्स नहीं है, रहने की जगह नहीं, तब आपको ये फैसिलिटीज के लिए आपको कॉम्पेंसेट कर दिया जाता है सर्टन परसेंटेज एज पर योर सिटी के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ में अदर अलाउंसेज होते हैं जो कि आपके पोस्टिंग एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप JN के जैसे एरियाज में हो, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में हो, तो वहाँ के अलाउंसेज अलग होंगे। नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल, आप लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में हो, तो वहाँ के अलाउंसेज अलग होंगे। सो इट डिपेंड्स। सो नाउ लेट अस सी द सैलरी कैलकुलेटर। अगर हम सारी चीज़ों को ऐड कर दें, पे इन हैंड हमने अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी 56,100, ग्रेड पे 5400, 10,800 हमारी मिलिट्री सर्विस पे हो गई, DNS अलाउंस हो गया, TPT, HRA एंड अदर अलाउंसेस। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम सबको एड ऑन करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग की सैलरी बनती है ₹72,300 प्लस 17% DNS अलाउंस प्लस TPT प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस। तो ये एक अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप अप्रॉक्सीमेशन में और चले जाते हैं तो अराउंड 80,000 तक ये फिगर आपका पहुँच सकता है। सो है ना एक वंडरफुल करियर, साथ ही साथ में एक बहुत ही अच्छी सैलरी। सो होप अब आपका जोश जो है और हाई हो गया होगा एक अच्छी सैलरी का अप्रॉक्सीमेशन देखते हुए। सो फाइनली दिस वाज अ रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट सैलरी कैलकुलेशन ऑफ MNS। आज ही ज्वाइन करें भारत के अग्रणी डिफेंस कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी को और हिस्सा बने भारत के सबसे बड़े MNS बैच का। अपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।